हरदोई के टोडरपुर ब्लॉक सुंदरपुर उमरौली में जूनियर व प्राथमिक विद्यालय का हुआ पूर्ण विकास। कई वर्षों से विद्यालय की हालत बहुत ही खराब थी। रजनीकांत अग्नोत्री के प्रतिनिधि प्रधान द्वारा किया गया विद्यालय का पूर्ण विकास, साथ ही क्षेत्र के ग्रामवासियों ने सफाई कर्मी न होने के कारण सरकार से सफाई कर्मियों की मांग की है। विद्यालय की स्वच्छता देखकर गांव के लोग प्रधान रजनीकांत अग्नोत्री के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न हैं। सभी लोग उमरौली के निवासी हैं, तो आपके गांव में ये जो बाउंड्री वाल और स्कूल का काम और विकास कार्य जो हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो आज से पहले जब अभी थोड़े दिन पहले यहां पे कैसा था, कैसा यहां पे लग? मुझे हमारे यहां कूड़ा है और यहां लैट्रिन यहां बहुत गंदगी थी, मतलब सब घूरे उरे पड़े हुए थे, बहुत गंदगी। तो आपके प्रधान जी ने तो अच्छे कार्य करवा दिए हैं फिर? हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो ये आपका उमरौली एकदम स्वच्छ उमरौली बन गया है आपके हिसाब से? साफ सफाई हो गई है और पीछे मंदिर भी देख लीजिए, बहुत साफ। अच्छा, हमें लगता है गांव के अंदर तो अभी बहुत गंदगी है, क्या कारण है गांव के अंदर गंदगी का? अरे गांव के अंदर कुछ पूछिए मत भाई। नहीं, क्या है, नहीं क्या सफाई कर्मी नहीं आ रहा है क्या? सफाई कर्मी भी नहीं है यहाँ, सफाई कर्मी करीबन हो गया है, एक साल हो गया चला गया यहाँ से। एक साल हो गया तब से सफाई कर्मी नहीं आ रहा है? तो नालियाँ वैसे ही भरी पड़ी हुई है। शिकायत अधिकारियों से की आपने? अधिकारियों से की, लेकिन वो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी इसमें कोई रोल नहीं, प्रधान जी से नहीं आप लोगों ने कहा? प्रधान जी से कहा, लेकिन ऊपर से कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो प्रधान क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये सामने जो हम देख पा रहे हैं इधर, ये जो मंदिर के पास था, हमें लगता है इससे पहले यहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, एकदम बहुत गंदगी थी यहाँ पे, कूड़ा करकट बहुत। अच्छा, तो यहाँ पे तो बड़ा साफ लग रहा है, साफ सफाई हो गई, यहाँ पे हम मंदिर बनने वाला है तो माता जी का। तो लग रहा है कि मोदी जी की जो योजना स्वच्छ भारत योजना जो चल रही है, उसका आप लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, पूरा सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का लाभ जो है आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।